हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास बेटा। क्लास सेवेंथ एंड चैप्टर नंबर टू। बिफोर दैट वी वर डिस्कस्ड अबाउट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेशन इन द ग्रास ईटिंग एनिमल्स। ओके बेटा, और ग्रास ईटिंग जो एनिमल्स होते हैं उनको हम बोलते हैं रूमिनेंट्स। क्या बोलते हैं? रूमिनेंट्स। देखिए, ये जो रूमिनेंट्स होते हैं इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स जनरली इनमें जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है? देखिए, सबसे पहले ये फूड इनटेक करते हैं माउथ से। ओके, माउथ से जब फूड इनटेक करते हैं तो सबसे पहले इनके माउथ से होता हुआ फूड कहाँ जाता है? एक रूमेन पार्ट होता है, ठीक है, स्टमच का एक छोटा सा पार्ट होता है रूमेन। उस रूमेन के अंदर फूड जाता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है, रूमेन के अंदर जो रूमेन पार्ट है इसके अंदर कुछ सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं। सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, ठीक है बेटा, कुछ सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं रूमेन में। ओके, इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द स्टमच। तो सबसे पहले फूड, आपने देखा है एनिमल्स जब भी फूड खाते हैं तो वो फटाफट पहले खत्म करते हैं, ठीक है, हमारी तरह चबाते नहीं है। तो सबसे पहले फूड कहा जाता है रूमेन, विच इज द स्मॉल स्टमच, इट इज ए पार्ट ऑफ स्टमच। तो रूमेन के अंदर क्या होता है, कुछ सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरियाज होते हैं, वो इस फूड को पार्शियली डाइजेस्ट कर देते हैं। कम्प्लीटली नहीं, पार्शियली, ठीक है। पार्शियली मीन्स नॉट कम्प्लीटली, पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं करते इसको, कुछ आधा अधूरा इसको डाइजेस्ट कर देते हैं। अब ये जो आधा अधूरा पार्शियली डाइजेस्टेड जो फूड है, ठीक है, दैट पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कड। इसको क्या कहते हैं? कड। अब क्या करते हैं, यहाँ से रूमेन से जो एनिमल्स होते हैं वो उस फूड को वापस थ्रो बैक करते हैं इनटू देयर माउथ, ठीक है। आपने देखा है जब भी एनिमल खाली होते हैं तो वो क्या करते हैं, चीविंग करते हैं फूड को, जिसको आप जुगाली बोलते हो, ठीक है। तो यानी रूमेन से जो फूड है वो वापस थ्रो बैक होता है माउथ में। अब ये माउथ में उसको क्या करेंगे, चीविंग करेंगे, ठीक है। जब वो चीविंग करते हैं तो उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं। अब जो ये फूड है इसकी चीविंग के बाद, यानी जुगाली के बाद, अब जो फूड है, नाउ इट डू नॉट गोज इनटू द रूमेन। अब ये कहाँ जाएगा? अब ये फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, जहां पे इसका कंप्लीट डाइजेशन होगा, एंड आफ्टर दैट गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन एंड देन इनटू द रेक्टम एंड थ्रू द एनस इट रिलीज आउटसाइड। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको ध्यान से समझना बेटा। तो आपको याद रखना है ग्रास ईटिंग एनिमल्स को क्या कहते हैं, रूमिनेट्स, और जो इनमें डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसको कहते हैं रूमिनेशन, ठीक है। रूमिनेशन, रूमिनेट्स या रूमेन, ये स्पेशली इसी पार्ट की वजह से, रूमेन की इनमें स्टमच का एक पार्ट होता है, ठीक है, और इसको आप एक स्टमच भी बोल सकते हो, स्मॉल स्टमच रूमेन, जिसके अंदर सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया होते हैं, जहाँ पे पार्शियली डाइजेशन होता है फूड का, और वो जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है दैट इज नोन एज कड। कड फिर वापस थ्रो बैक होता है इनटू द माउथ, माउथ में फिर उसकी चीविंग होती है, चीविंग के बाद वापस जो फूड है दैट इज डू नॉट गोज इनटू द रूमेन, वो कहा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे इसका कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, और उसके बाद इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये था डाइजेशन इन द ग्रास ईटिंग एनिमल्स। आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा।